और फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। उसके लिए मैंने इस चॉपर में कैबेज, थोड़ा सा येलो शिमला मिर्च, थोड़ा सा ग्रीन शिमला मिर्च, छोटा छोटा पीस लेना है, सिर्फ एक पूरा शिमला मिर्च भी नहीं लिया है मैंने, हाफ हाफ समझिए आप, वो लेके उसे बारीक बारीक चॉप कर दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर निचोड़ के पूरा पानी निकाल दिया है। उसके बाद आप इसमें कैरेट डाल दीजिए जो हमने इसी में चॉपर में चॉप किया है, और ये थोड़ा ब्रोकली के स्टेम्स हैं। आप चाहें तो इसमें बीन्स वगैरह डाल सकते हैं। इसमें आप एक चम्मच गार्लिक सॉस डाल दीजिए। ये है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, और ये है मैदा 2 चम्मच, ये है राइस फ्लोर 1 चम्मच। इसे आप सिज़वान राइस के साथ या फ्राइड राइस के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये पहले आप थोड़ा सा एक बार मिक्स कर दीजिए अच्छे से, हम बाकी का फिर डालेंगे। अभी हमने 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच राइस फ्लोर डाला है। राइस फ्लोर यानी चावल का आटा होता है, कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें आप 1 स्पून ऑयल गरम डाल दीजिए थोड़ा, और फिर एक दो तीन और 4 चम्मच तक आप मैदा डाल दीजिए। 1 चम्मच और राइस फ्लोर डालना है और 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालना है, स्वाद अनुसार डालिए इसे, एंड थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली है ये, 1 से 1.5 चम्मच, छोटी एकदम चम्मच, टीस्पून लेना आप, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच आप इसमें, 1/2 स्पून आप ये चाइनीज सीजनिंग कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, एंड इसको फिर आप ऐसे हल्के हाथों से बाइंड करने की कोशिश कीजिए। ये अच्छे से थोड़ा बाइंड हो जाए और तब तक आप ऑयल फ्राइंग के लिए रख सकते हैं। ऑयल एकदम गरम में डालना है हमें। हमने जो ये तेल डाला 1 चम्मच, उससे हमारे मंचूरियन काफी सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना के, आपको अगर बहुत चिपक रहा है तो उसमें हाथ गीला कर लीजिए, इस तरह से राउंड बॉल्स आप सारे इस बैटर के बना दीजिए। अब हमें ऑयल अच्छे से गरम कर लेना है और उसमें इस तरह के बॉल्स बनाकर आप मंचूरियन फ्राइंग के लिए डाल दीजिए। थोड़े ज्यादा गरम ऑयल में डालेंगे तो बाहर से क्रिस्प और अंदर से अच्छे से नरम हो जाएंगे, बाहर से क्रिस्प और अच्छे से नरम हो जाएंगे अंदर से। ये आप फ्राइड राइस, मैंने एक वीडियो बनाया है फ्राइड राइस का भी, आप देख सकते हैं उसे, उसके साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये बॉल्स। आप इसको ड्राई भी बना सकते हैं एंड थोड़ा वेट ग्रेवी में भी बना सकते हैं। इस तरह सारे पलट पलट के अच्छे से मंचूरियन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें आप अच्छे से ऑयल ड्रेन करके एक पेपर टॉवल पे निकाल दीजिए। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे मंचूरियन बॉल्स, देखिए। अब एक पैन में हम गरम ऑयल 1.5 से 2 चम्मच लेंगे। अब हम इसी बॉल्स की ग्रेवी बना रहे हैं। मैं बहुत पानी नहीं डालती हूँ ग्रेवी, मतलब बहुत पतली भी नहीं करती हूँ और बहुत ड्राई भी नहीं करती हूँ,
मीडियम रखती हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बना रहे हैं। ये लहसुन है, प्याज थोड़ा सा, हाफ प्याज या एक छोटा प्याज लेना है, इसे आप अच्छे से सॉटे करिए। इसमें आप सारे वेजी, ये जिंजर है एक स्पून, ये ग्रीन चिलीज का पेस्ट है वन स्पून, ये थोड़े से कैप्सिकम है, इसे अच्छे से सॉटे करिए। और सारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब अच्छे से, सिर्फ एक शाइन आ जाए इनपे। अब ये मैंने एक ये ही चम्मच, बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैंने 3/4 कप या हाफ कप आप समझिए पानी डाला है और इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसको आप साइड में रख दीजिए। ये वेजीज में आप थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डाल दीजिए क्योंकि बॉल ऑलरेडी बहुत ही स्पाइसी बनाए हैं हमने, सब अंदर स्पाइसी भी डाले हैं। और हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर, ये सॉरी सोया सॉस हम इसको डाल देंगे और एक चम्मच ये चिली गार्लिक, चिली गार्लिक चटनी है डाल दीजिए। एंड इसमें हम अपना ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी जो हमने बैटर बनाया है, ये पतला सा एकदम घोल, इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से स्टर दे दीजिए। अपने जो मंचूरियन बॉल्स थे आप डाल दें, अच्छे से मिक्स दे दीजिए इसको। गैस एकदम स्लो कर दीजिए और इसे कुछ देर के लिए, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के, बस 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे मसाला पूरा अच्छे से कोट हो गया और हम अब इसे सर्व कर सकते हैं।